हो गई क्या? इस शॉट के लिए हमने काफी टाइम इंतजार करा, उतने में चाय ही ठंडी हो गई। आज तो हम काफी दिनों बाद, हर बार ही हम काफी दिनों बाद, तो यार हमने यार एक ये नई बीट बनाई है। आज हम ये देखेंगे कि ये हमने कैसे बनाई, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और ये हमने एक नया एक इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया जिसपे हम अपनी सारी बीट्स रेगुलर रोज एक बीट अपलोड होगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस बीट का भी लिंक, पूरी बीट अगर आपको सुननी है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके नीचे पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके सुन सकते हो और फॉलो करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। काफी अरसे बाद सूरज गौर दिस साइड, वेलकम टू द चैनल। ओ यार आवाज कम करो टीवी की। That shit up, a book nigga, pick that shit up, expand your vocab. माटी बहुत है। तो ये हमारी है बीट के अंदर। यार ये जो आप ये सैंपल देख रहे हो, ये फ्रूटी स्लाइसर में मैंने अपनी मेलोडीज को डाला है। ठीक है, ये पहले एक बार पहले बीट सुन लो। ये हमारी बीट थी। इसके अंदर मैंने क्या करा, ये जो पहले आप देख रहे हो फ्रूटी स्लाइसर के अंदर ये पैटर्न मैंने सैंपल करा। ठीक है, वैसे कोई सैंपल नहीं है, सारे मैंने इंस्ट्रूमेंट खुद बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ये देखो ये फ्रूटी स्लाइसर के अंदर है। ये अभी इस पे मैंने एक ग्रॉस बीट का प्रीसेट हाउस बीट लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये यार मैंने बनाया गया था एक लैब स्पिटफायर लैब्स ऑडियो का एक ये प्लगइन है। ठीक है, इसमें एक तो एक गिटार यूज करा है मैंने, ये गिटार। ठीक है, एक ये गिटार से बनाया था, अब ये मेरे से वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, ये गिटार से, और इसके साथ मैंने इसी लैब्स के अंदर एक इनका एक पियानो है। कहाँ है पियानो, ये सॉफ्ट पियानो। ठीक है, सॉफ्ट पियानो। ठीक है, ये मैंने इस पे बनाया था, तो इन सबको मर्ज करके और बीच में एक नेक्सस से बेस डाली थी। ठीक है, उन सबको मिला के ये सैंपल बनाया था। ठीक है, फिर मैंने इसे फ्रूटी स्लाइसर में डाला और जो मैंने इंस्ट्रूमेंट प्ले करे सारे डिलीट कर दिए। बाद में मेरे को ध्यान आया कि डिलीट नहीं करनी चाहिए इसे। अब यहाँ पर ये 6 नंबर ट्रैक में है मेरा, यहाँ पर पहले मैं ग्रॉस बीट हटाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये EQ वगैरह इस पर लगाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेन, अब ये कैसा साउंड कर रहा है। अभी मैंने ग्रॉस बीट सिर्फ इंट्रो के लिए डाली थी, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। ठीक है, ये हमारा सैंपल है बेसिकली। ठीक है, 88 हमारा BPM चल रहा है भाई। ठीक है, ये हमारा सैंपल। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके डाल दी ग्रॉस बीट। ठीक है, यहाँ पर इसे मैंने यहाँ पर ऑटोमेट करा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इंट्रो के लिए चलती है, फिर हमारी ग्रॉस बीट खत्म हो जाती है। ठीक है, ग्रॉस बीट में मैंने क्या करा है, ये देखो ग्रॉस बीट का मैंने प्रीसेट हाफ स्पीड, ये आप यहाँ से आके प्रीसेट्स में जाके मोमेंट्री में आओगे तो आपको ये हाफ स्पीड मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये हाफ स्पीड हमारा प्रीसेट लगा हुआ है इस पे, ठीक है, इसे ऑन करते हैं। तो इससे यार ये इंट्रो के लिए, मैंने सिर्फ इंट्रो के लिए रखा है, तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। ठीक है, ये इंट्रो के लिए। उसके बाद इंट्रो में और बीच में सेक्शन में यहाँ पर ये वायलिन आएंगे, ठीक है, आपको वायलिन सीखेंगे। ये वायलिन में क्या है यार, ये ठीक है, ये नेक्सस का ये सेलोज करके है, ठीक है, ये नेक्सस में डार्क सेलोज है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ये इसका पैटर्न है। सेम मैंने क्या करा है, एक ऑक्टेव हाई करके एक और वायलिन बनाया है, इसमें एक ऑक्टेव हाई है, बस पैटर्न सेम है, सारी नोट सेम है, बस एक ऑक्टेव ऊपर है। ठीक है, तो ये दो वायलिन, वायलिन एक ही है, वही है, समझ जाओ। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में चल रहा है हमारा, ठीक है, इंट्रो के वक्त यही चलेंगे दोनों, ठीक है। और ये यार मैंने ये जो यहाँ पर आपको ये ऑटोमेशन क्लिप दिख रही है, ये ईक्यू की है। यहाँ पर आपको बेस, क्योंकि यहाँ पे जब हुक सेक्शन आता है हमारा, सारा कुछ आता है, तो वहाँ पे 808 के साथ हमारा क्लैश ना करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑटोमेट करा हुआ है। पहले बेस होती है, लेकिन बीच में जब हुक आता है तब मेलेडी या जो हमारे सैंपल की है उसकी बेस मैं कम कर देता हूँ थोड़ी, ठीक है, और सेम वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम थोड़ी ऑटोमेट करी हुई है, ठीक है। तो इंट्रो, अब कुछ इंट्रो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है हमारा, ओए ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे ग्रॉस बीट खत्म, यहाँ पर फिर हमारा सैंपल बजेगा, ठीक है, इसके बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी हाई हैट्स आ जाएंगी, ठीक है, ये हाई हैट का सिंपल पैटर्न, बीच में थोड़े बहुत रोल्स वगैरह, ठीक है, ये हाई हैट। उसके बाद हमारी यहाँ पे एक क्लैप है, यहाँ पे इस पे रिवर्ब डाला हुआ है, ठीक है, इस क्लैप के बाद इसको मैंने एक और क्लैप से लेयर करा है, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी क्लैप है, ठीक है। इसके बाद अरे यार लो बैटरी, इसके बाद यहाँ पर यार ये स्नेयर है, ठीक है, ये स्नेयर हो गई हमारी। इसके बाद एक ये क्रैश शुरू में स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग में डाला है। उसके बाद ये थोड़ी परकर्शन, ये हमारी एक ओपन हैट आती है बीच में, ठीक है। इसके बाद ये हमारे 808 पैटर्न, ठीक है, ये 808 का पैटर्न है। इसके बाद हमारी सिंपल किक, ठीक है, बस यही सारे इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर, और कोई नहीं है।
ठीक है। और एक स्पेशल चीज, हमने अपना टैग फाइनली बना लिया है, ये हमारा गौर बीट्स का टैग। ये आई एम टैग टू बनाया हमने, ठीक है, बनाना पड़ता है तो कूल भी है सोरा, ठीक है। तो उसके बाद बीट, अब हम एक बार अरेंजमेंट देख लेते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम इंट्रो के बाद, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे हाई हैट्स और क्लैप्स और स्नेयर से स्टार्ट होता है, इसके बाद टैग अपना आने के बाद यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैंने यार वापस वायलेंस को ले आया मैं, ये फिर बीच में एक ब्रिज सेक्शन आता है, ठीक है। हुक और वर्ड्स के बाद बीच में ये थोड़ा ब्रिज आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ड्रॉप आ गया, इसके बाद वही सेम 3 बार पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। तो बस यही थी हमारी बीट। तो अगर आपको ये पूरी बीट सुननी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे नया पेज बनाया है, सिर्फ बीट्स आएंगे उसमें, ठीक है, आप उसे फॉलो कर लो जाके। तो बस यही थी आज की वीडियो, ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो प्लीज कमेंट, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।